अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आज आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे और आप लोगों के कुछ क्वेरीज होंगे डॉक्टर से रिलेटेड कोरोना वायरस में, तो कुछ सवाल तो होंगे जैसे इंजेक्शंस टू द कोरोना पेशेंट्स, उसके बाद फॉरेन फंडिंग, उसके बाद मीडिया की एग्जैजुरेशंस। तो इनका इनके सवालों के लिए आज हम लाइव बात करते हैं डॉक्टर अली साहब से। आए यहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रो दे दें। जी जी श्योर। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर एलियस कर है। आई एम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद पीएमडीसी। currently I am working as a lecturer in Islam Medical College. उसके अलावा मैं as a general practitioner practice कर रहा हूँ सुल्तान जनरल सियालकोट। जी माशाल्लाह सर। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे कि आप जानते हैं कि मीडिया बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करता है चीज़ों को, इसी तरह जैसे कोरोना की सिचुएशन को भी इसने काफ़ी ज़्यादा एग्जैजुरेट किया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमें करंट सिचुएशंस बताएं, क्या पैनेडेमिक चल रहा है हॉस्पिटल्स में, आवाम के दरमियान, और डॉक्टर्स किस तरह इस चीज़ को फेस कर रहे हैं सर। अच्छा, ऐसे है कि मतलब लेट्स कीप कोरोना साइड, कोरोना को अलहदा रख के भी हम देखें अपने हेल्थ सिस्टम को, तो हमारा हेल्थ सिस्टम उससे पहले भी ओवरबर्डन था। इनफ हमारे पास मेडिकल स्टाफ नहीं है, इनफ हॉस्पिटल्स नहीं है, लोग बीमार ज्यादा हैं, बट हमारे पास उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है लोगों के लिए। अब जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुई है कोरोना की, तो उसके बाद वो हमारी जो खामियां है, कमी है, वो और ज्यादा खुल के सामने आ गई। ठीक है, मतलब हमें अब और ज्यादा शिद्दत से एहसास हो रहा है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास आईसीयूज नहीं है, हमारे पास जो है एनेस्थीजिया के स्पेशलिस्ट नहीं है, या फिर इंटेंसिविस्ट नहीं है जो कि आईसीयू मैनेज कर सकें। तो एक ओवरबर्डन सिस्टम पे जब आप और इस तरह से बर्डन डालते हैं किसी भी चीज का, तो वो कोलैप्स कर जाता। यही सूरत हाल हुई है पाकिस्तान में। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह केसेस हमारे मुल्क में बाकी दुनिया से अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली कम है। अब वो अल्लाह ताला जानता है, हमारी कोई इसमें हमारी तरफ से कोई काविश या कोई ऐसी कोशिश नहीं थी कि केसेस कम हो, बट अल्लाह ताला की तरफ से कुछ कम है। जहां तक रह गई मीडिया की बात, तो ऑब्वियसली ये एक इशू है, ऐसा मतलब बड़ा इशू है। कोरोना एक सीरियस डिजीज है, इसकी वजह से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, डेथ हो सकती है, यंग लोगों में डेथ हो रही है, तो एक है सीरियस इशू। ऑब्वियसली मीडिया ने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया उसे, बट एक जो हकीकत है वो अपनी जगह पर कायम है। तो अब सूरत हाल कुछ बेहतर होती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से जो पीक थी, अब लग रहा है कि वो अब उसे क्रॉस कर चुके हैं। अब केसेस की तादाद कम होना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब डेथ्स के भी रेट कम हो रहे हैं, और उम्मीद है कि कुछ महीनों तक इंशाल्लाह इससे जी सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेहत और मौत अल्लाह के हाथ में, डॉक्टर एक सिर्फ वसीला, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मगर डॉक्टर्स जो रूमर्स जो आवाम सुन रही है, जो आवाम फेस कर रही है, वो कहते हैं कि डॉक्टर्स कोरोना के पेशेंट्स को पॉइजन के इंजेक्शन लगा के उनकी डेथ कर रहे हैं ताकि उन्हें एड मिले, कुछ WHO शायद सर्व करता है एज अ ग्रांटेड मनी। तो क्या ये बात सच है सर? बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है। ठीक है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है टोटली। कोई ऐसा जहर का टीका नहीं लग रहा खुदा ना खास्ता, कोई ऐसा नहीं है कॉम्पोनेंट जो लगा के तो जबरदस्ती मार रहे हैं पेशेंट्स को। साफ सी बात है, डॉक्टर भी इंसान है, डॉक्टर की हमेशा ही कोशिश होती है कि वो अपने मरीज के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करें। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे मरीज को किसी किस्म का भी नुकसान हो किसी भी वजह से। अब जहां तक बात रह गई जहर के टीके की, तो बेसिकली जब कोरोना का मरीज हमारे पास आता है हॉस्पिटल में, आईसीयू में आता है, तो पहले से इतना सीरियस होता है कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इस बेसिकली कोरोना में अगर मैं आपको साइंटिफिक टर्म बताऊं, मेडिकल टर्म बताऊं, तो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। ठीक है, जिस्म खुद से अपने जिस्म के खिलाफ कुछ खुलियात बनाना शुरू कर देता है और डैमेज करना शुरू कर देता है। अब मरीज के जो बेसिक
ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो शटडाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब मरीज आता है तो कुछ घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। उसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है। आप ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, पर मतलब नहीं बच सकता। सेकेंड चीज, कोई कहीं से किसी किस्म की एड नहीं आ रही, एक रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, बल्कि मेरे कुछ जानने वाले दोस्त जो कि कोरोना की वजह से बीमार हुए, उनकी तनख्वाह काटी गई है इस वजह से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि खुदा ना खास्ता डॉक्टर अमीर होते जा रहे हैं और पता नहीं बेच में, पता नहीं दिल गुर्दे बेच के कुछ कर करके तो मरीजों के साथ ऐसा करें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ रूमर्स है, पता नहीं किन वजहों से लोगों ने फैलाई है, पर इसमें कोई हकीकत नहीं। हकीकत जी सर, बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया और मैं आपको सारे आंसर से मुतफिक करता हूँ। सर, मेरा आखिरी एक मैसेज जो आप अपनी आवाम को देना चाहें कि वो कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ अपने काम और सारी चीजों को जारी रखें। ठीक है, अच्छा, अब शुरू से बात हो रही है कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, ठीक है, मुलाकात में या जूम में जाने से परहेज करें। आप ऑब्वियसली, हम ऐसा हमारा मुल्क है कि सबको काम पे जाएंगे, कमाएंगे तो खाएंगे, ठीक है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका जो, उसके लिए घर में बैठ के खाना बहुत मुश्किल चीज है। ऑब्वियसली काम पे जाना है, वो तो मजबूरी है, जा करना पड़ेगा। उधर मास्क पहन के रखें, हाथ बार बार धोएं, गले मिलने से, हाथ मिलाने से कोशिश करें, परहेज करें, कम से कम 1.5 मीटर का फासला रखें आपस में, और हजूम वाली जगह पे जाने से परहेज करें। जब किसी जगह पे कोई चीज खरीदने जाते हैं, किसी शॉप में जा रहे हैं, वहां पे कोशिश करें कि बारी बारी अंदर जाएं, थोड़ा सा फासला बना के रखें। तो ये जिसे जुकाम बुखार है, खांसी है, वो खुद को जो है क्वारंटीन करें घर में। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, उस पर रब्ता करें, डॉक्टर उसे प्रॉपर गाइड करेंगे। अगर सूरत हाल ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटल में जाएं, एडमिट हों, इसका इलाज मुमकिन है, और शुक्र अल्लाह का कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं, पर बुजुर्ग लोगों में और जो ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं जिनके साथ और बीमारियां भी होती हैं, उनका जरा जो है इलाज मुश्किल हो जाता है। पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये अजाब जो है हमारे पे से हटा ले, और तौबा करें, हाँ जी, नमाज पढ़ें, तौबा करें, अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। जी सर, थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम सर, दुआओं में याद रखिएगा और इजाजत दें सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।